बातों बातों में मेघा को शक्कर देना तो भूल ही गई। चलो सॉरी मेघा बेटा, बातों बातों में तुम्हें शक्कर देना ही भूल गई। नहीं नहीं आंटी, इट्स ओके, आज जस्ट कॉफी ठंडी हो चुकी। तुम्हारे लिए दूसरी कॉफी बना दो बेटा। नहीं नहीं आंटी, इट्स ओके। पता है मेघा, ये एग्जीबिशन ईशा के कैरियर के लिए बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा और उसकी कैरियर के लिए बहुत बड़ा एक्सपोजर भी, डोंट यू थिंक सो? क्यों नहीं आंटी, ये एग्जीबिशन तो ईशा को जिंदगी भर याद रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। एनीवेज आंटी मैं जाती हूँ, गर्व को बोल दीजिएगा मैं आई थी। ओके जरूर बेटा, पर उसका फोन आए तो सही। ओके बाय बाय। ओके बाय बेटा, टेक केयर। आंटी आपसे एक रिक्वेस्ट है। बोलो बेटा। अगर आपको ऑब्जेक्शन ना हो तो आज रात मैं यहाँ रहकर काम कर सकती हूँ। एक्चुअली मुझे अपने कुछ डिजाइन मॉडिफिकेशन करने हैं। इसमें ऑब्जेक्शन की कौन सी बात है बेटा? जीते रहो, सदा सुहागन रहो। तो बेटी ये हमारी तरफ से मुंह दिखाई, पसंद आया? जी बहुत सुंदर है। मुझे तुझसे शिकायत है। कैसी शिकायत है नानी? किसी को कुछ बताए बगैर ही बस शादी कर ली, एक बार भी मेरे बारे में सोचा नहीं। और फिर तूने ये कैसे सोच लिया कि तेरे पसंद को मैं नापसंद करूंगी? आखिर तू जिसे अपना जीवन साथी चुनेगा वो लड़की लाखों में एक होगी। हाँ माँ, भले ओम और तानिया की उम्र में ज्यादा फर्क है लेकिन आखिरकार तो वो इस घर की बहू ही है ना। हमें हंसी खुशी इन दोनों के रिश्ते को स्वीकार कर लेना चाहिए माँ। शौक सिर्फ आपको ही नहीं मुझे भी मिला है। मामा कम नमस्ते। नानी जी मेरी मामा है। नमस्ते। नमस्ते माँ जी, मैं कुछ सामान लेकर आई हूँ शगुन के तौर पर। आप जानती हैं कि शादी में तो हम कुछ नहीं कर पाए। समधन जी, आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी, सो आज हमारी इच्छा पूरी हो गई। इच्छा तो हमारी भी थी समधन जी से मिलने की। कैसी हो यशोदा? आई मीन समधन जी। मैं अभी आती हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं भाभी? हाँ रिमझिम, मोहिनी ने जिस तरह से मेरे साथ बर्ताव किया है बाहर, मुझे बस इसी बात का डर लग रहा है कि कहीं उसने अपने अतीत के बारे में अपना मुंह खोल दिया तो। नहीं भाभी, मोहिनी ऐसा कुछ नहीं करेगी। उसकी बेटी हमारे घर की बहू है, रिश्ता जुड़ गया है उसका इस घर से। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? नमस्ते, आइए ना। नमस्ते। क्या बात है समधन जी, आप तो मुझसे बिना बोले ही अंदर चली आई।
क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है या आप मुझसे नाराज हैं? जी नहीं, भला मैं आपसे नाराज क्यों होंगी? ये बात तो आप बेहतर कह सकते हैं, आपकी और मेरी तो बहुत पुरानी पहचान है। शायद उस वक्त की ऐसी कोई बात हो जो आपको बुरी लगी हो और जिसे आप आज तक अपने दिल में दबा के रखी है। ये अच्छी बात नहीं है संदन जी, पुराने जख्मों को खुरदने से घाव बढ़ते हैं, खट्टे नहीं। अगर आपके दिल में मेरे लिए कोई गलतफहमी है तो उसे दूर कीजिए, क्योंकि उस वक्त क्या हुआ था ये आपको पता नहीं है। किसने किसके साथ साजिश की, किसने किसको धोखा दिया, इसका तो आपको अंदाजा भी नहीं है। जिसे आप मामा, ये आप कैसी बातें कर रही हैं मामा? आप मत भूलिए कि आप अपनी बेटी के ससुराल में हैं और मैं इस घर की बहू हूं। इस घर की भी कुछ सीमाएं हैं, कुछ मर्यादाएं यहाँ की। तानिया बेटी, तुम्हें कुछ गलतफहमी हो रही है। मैं तो यहाँ पर तुमसे और यशोदा से मिलने आई थी और इनके साथ तो मेरी बहुत पुरानी पहचान है। सो इट्स बट नॉट कि मेरे अतीत के कुछ सुंदर पल मुझे याद आ गए जो मैंने इसी घर में इन्हीं लोगों के साथ बिताए थे, और बस उन्हीं लम्हों के बारे में उन्हें याद दिला रही थी। मोहिनी जी, अतीत जो भी रहा, अब हम सब एक नए रिश्ते में बन चुके हैं। आपकी बेटी हमारे घर की बहू है, आप ही हमारे परिवार का एक हिस्सा है। क्यों ना हम नए सिरे से जिंदगी शुरू करें। मॉम, मॉम मैं पंचगिनी के लिए निकल रहा हूं। गर्व, आंटी घर पे नहीं है, वो किसी क्लाइंट से मिलने गई है। मॉम आए तो उनसे कह देना कि मैं निकल गया हूं। गर्व, ये पंचगिनी जाना, ट्रैकिंग वगैरह, क्यों अपने आप को तकलीफ दे रहे हो? जो बात पॉसिबल ही नहीं है उसके लिए। ईशा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मुझे तकलीफ हो या ना हो, तुम्हें उससे फर्क क्या पड़ता है? हाउ डज इट मैटर टू यू? ईशा, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो तो मेरे लिए इतनी हमदर्दी क्यों है? व्हाई यू सो कंसर्न फॉर मी? क्यों, क्या मैं अपने दोस्त के लिए कंसर्न नहीं हो सकती? दोस्त? बड़ा जोक ईशा। जोक? क्या जोक हो रहा है गर्ल? जरा मैं भी तो सुनो। अरे बेटा, ये बैग लेकर कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? बताया था ना मॉम, मैं पंचगिनी के लिए निकल रहा हूँ। बस जा ही रहा था, अच्छा हुआ आप आ गई। अभी 20 मिनट हुई है मुझे यहाँ से गए हुए, इतनी जल्दी तैयारी भी कर ली। मॉम, मैं कोई वर्ल्ड टूर के थोड़ा जा रहा हूँ, दो दिन में आ जाऊंगा। मॉम चलता हूँ मैं, बाय। बाय बेटा, टेक केयर। ईशा, मुझे ऐसे लग रहा है बेटा कि घर अपनी फीलिंग्स को अच्छी तरह से छुपा नहीं सकता। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है कि वो अंदर ही अंदर बहुत दुखी है। वो अपने आप से भाग रहा है, अपने दुखों से वो भागना चाहता है ताकि मुझे तकलीफ ना हो। आती हूँ बेटा। ओफो जयंती,
घुमा फिरा के बातें मत करो, जो कहना है साफ साफ कहो। तो आप ही बताइए, ओम की माँ कौन है? तुम हो? वही तो, मगर घर के बाकी लोग ये सब नहीं समझते ना, वो लोग तो यशोदा भाभी कोई ओम की माँ समझते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब तुम्हारा वहम है। ये वहम नहीं है माँ, ये वहम नहीं है, हकीकत है ये। वरना वो मोहिनी यशोदा भाभी की बजाय मुझे समधन कह के पुकारती, लेकिन नहीं, वो तो यशोदा भाभी से मिलने आई थी ना। और सबसे बड़ी बात ये, यशोदा भाभी ने एक बार भी पलट कर मोहिनी से ये नहीं कहा कि वो मुझे समधन कह के पुकारे। सच बात तो ये है कि इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है। इस घर की बेटी होने के बावजूद भी सब लोग मुझसे परायों जैसा व्यवहार करते हैं। नहीं जयंती, ये तेरा गुस्सा जायज नहीं है। भले ही ओम तेरा ही बेटा है, मगर इस बात से तू इनकार नहीं कर सकती है कि अनुराग के आसाम में रहने की वजह से राकेश ने ओम की परवरिश की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली, यहाँ तक कि उसकी पढ़ाई के लिए बाहर भेजा। अब थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन रखना तो लाजमी है। शायद इन्हीं वजह से लोग राकेश और यशोदा को ओम के गार्जियन समझते हैं, मगर हम सब तो जानते हैं कि ओम तुम्हारा बेटा है। फिर भी तुम्हें ऐसा लगता है कि ये गलत है तो मैं खुद यशोदा से बात करूंगी, और जरूरत पड़े तो मोहिनी से भी बात कर लूंगी। अब तो खुश? जी जी माँ। गुड, वेरी गुड। शाम के 8 बज चुके, पर तुम जिस एनर्जी से काम कर रही हो, बहुत ही फ्रेश लग रही हो बेटा तुम। ऐसे लग रहा है जैसे सुबह के 8 बजे हैं, और तुम अभी ऑफिस में आई हो। आंटी, मैं काम करते वक्त घड़ी की तरफ नहीं देखती। फॉर मी वर्क इज वर्कशिप। और फिर कल एग्जीबिशन है, पहली बार मेरे डिज़ाइन डिस्प्ले हो रहे हैं। मैं कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहती। आई वॉन्ट 100% श्योर अबाउट माई वर्क। पर बेटा, मेहनत का मतलब ये तो नहीं कि तुम अपना हेल्थ का भी ख्याल ना रखो। मुझे लग रहा है अब तुम्हें आराम की जरूरत है, और साथ में इन लोगों को भी। उठा लो बेटा, तुम्हारे घर से ही होगा। हेलो। हेलो ईशा, क्या बात है भैया, आज घर नहीं आना है? नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो कल एग्जीबिशन है तो बस उसी की तैयारी में इतनी बिजी हो गई कि टाइम का पता ही नहीं चला। अच्छा, आप घर आ रही हो या वहीं से सीधे एग्जीबिशन निकल जाओगी? सॉरी आंटी, मैं बस अभी आ रही हूँ। ईशा, वहाँ पर नम्रता जी हैं? हाँ। जरा देना फोन। जी रिमजी, मां जी आपसे बात करना चाहती हैं। हेलो। नमस्ते जी, रिमजी बोल रहे हैं। कैसी हैं आप? हम बिल्कुल ठीक हैं, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा नम्रता जी, एक्चुअली हम यही सोच रहे थे कि मेघा हमेशा आपकी बातें करती रहती है, गर्व की बातें करती है, हमें कभी नहीं मिले, तो हमें भी एक बार मिल लेना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। एक काम कीजिए, आप सुबह ईशा के साथ मेरे घर आ जाइए, साथ में चाय भी पियेंगे और बातें भी कर लेंगे, फिर साथ में ईशा के एग्जीबिशन में चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम आ जाते हैं, हम भी देख लें ईशा क्या काम करती है, हम सुबह पहुंच जाएंगे। ठीक है, और आप ईशा की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मेरा ड्राइवर उसे घर तक छोड़ देगा। जी बिल्कुल। बेटा, मैंने ड्राइवर को फोन कर दिया है, वो 15-20 मिनट में यहाँ पहुँचता ही होगा। आंटी उसे मना कर दीजिए, मैं खुद चली जाऊंगी। नहीं बेटा, इतनी रात को मैं तुम्हें ऐसे अकेले घर नहीं जाने दूंगी। आंटी, एक दिन की बात तो है नहीं, आई हैव टू मैनेज थिंग ऑन माई ओन। लाइफ में आगे बढ़ना है, अगर इतनी भी हिम्मत नहीं रखूंगी तो कैसे काम चलेगा। आंटी प्लीज, मैं चली जाऊंगी। ठीक है बेटा, तुम इतनी जिद कर रही हो तो इट्स ओके, पर बेटा घर पहुँच कर फोन जरूर कर देना मुझे। श्योर। और हाँ, सुबह रिमझिम आंटी को साथ में ही लेकर आना, फिर वहाँ से सीधे एग्जीबिशन चले जाएंगे। जरूर। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट बेटा।
संभल के जाना और पहुंचते ही फोन जरूर कर देना। ओके आंटी। नमस्ते अंजुम जी। नमस्ते। गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग ईशा बेटा। माफ कीजिएगा, हम वक्त से बहुत जल्दी आ गए। दरअसल जैसे ही हम उठे, ईशा इतनी एक्साइटेड थी, हमें सीधे यहाँ पर ले आई। रास्ते भर अपने डिजाइन्स के बारे में बात कर रही थी। अब सच पूछे तो हम भी बहुत उत्सुक हैं देखने के लिए ईशा के डिजाइन्स, उसके कपड़े। इतने थोड़े से वक्त में बहुत कुछ सीखा है उसने आपसे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। नम्रता जी, आप कुछ परेशान सी लग रही हैं, कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं, कुछ प्रॉब्लम है। आइए आंटी, बताइए ना क्या बात है। ईशा, तुम इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगी। क्यों क्या बात, कहीं मेरे स्टॉल का अलॉटमेंट कैंसिल तो नहीं हो गया? आप लोग खुद ही देख लो। ये सब मेरे कपड़े, ये सब कैसे हो सकता है? ईशा, ईशा।